हेलो एवरीवन वेलकम टू सुपर कोचिंग यूपीएससी पी एस बुक फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में जी हाँ यू आर समवन हु वांट्स टू नो एवरीथिंग अबाउट सिविल सर्विसेज एग्जाम की क्या है कैसे अपीयर हो सकते हैं क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं सब चीजें एवरी इन डिटेल ऑल द स्टेजेस ऑफ द एग्जाम क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं इस एग्जाम का पर्पज क्या है ये सब चीजें अगर आप जानना चाहते हैं तो दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन वन स्टॉप वीडियो फॉर यू यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल हु वांट्स टू नो अबाउट सिविल सर्विसेज एग्जाम देखिए सिविल सर्विसेज एग्जाम इंडिया का मोस्ट प्रस्टिजियस एग्जाम में से माना जाता है और माने भी क्यों ना क्योंकि ये सिर्फ जॉब नहीं है बाई गिविंग दिस एग्जाम आप एक ऐसी अथॉरिटी पाते हैं आप एक ऐसी पावर बन जाते हैं जो अपनी लाइफ को चेंज करें इतना ही नहीं

ड्रीम है कि आप अपने करियर में कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब और वो भी प्रेस्टिजियस वन आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं तो फिर आपको यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम देना पड़ेगा वो एग्जाम आपके लिए परफेक्ट होगा अब ये यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम क्या है उससे पहले हम ये जान लें कि यूपीएससी अपने आप में क्या है देखिए यूपीएससी जो है आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग ये अपने आप में एक बॉडी है कुछ मेंबर होते हैं और ये बॉडी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती है बहुत सारे एग्जाम मतलब सिर्फ सिविल सर्विसेज नहीं सिर्फ आई एस आई और अदर आई आर एस नहीं इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम ही कंडक्ट करवाती है तो यूपीएससी आपका एनडीए का एग्जाम आपके सी डी एस का एग्जाम आपके एफ के का एग्जाम आपके मेडिकल सर्विसेज का एग्जाम इसी तरीके से एक सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी यूपीएससी कंडक्ट करवाती है सिविल सर्विसेज एग्जाम जिसके थ्रू आपको आई ए एस आई पी एस इंडियन फॉरन सर्विसेज रेवेन्यू सर्विसेज इन सब के अंदर सेलेक्शन मिलता है यूपीएससी जो है वट इज़ इट ये एक सेंट्रल बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है मतलब हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हमारे पास एक बॉडी होनी चाहिए यूपीएससी जो इन जॉब्स के लिए एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है अब बहुत सारे एग्जाम जो कंडक्ट करवाती है उसमें से एक एग्जाम है सिविल सर्विसेज एग्जाम अब ये सिविल सर्विसेज एग्जाम क्या है ये वो एग्जाम है जिसका मोस्ट पॉपुलर है आपका यूपीएससी का एग्जाम इसमें ट्वेंटी फोर टॉप गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वो इंक्लूड रहती है

साइंस एंड टेक करंट अफेयर ये सब चीजें इकोनॉमिक्स सीसेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें रीजनिंग आपका क्वांट इन सब के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव्स ये बट दिस इज क्वालिफाइंग इन नेचर मतलब यू जस्ट नीड टू गेट 66 मार्क्स ओवर हेयर, क्योंकि दोनों पेपर 100 मार्क्स के हैं इसमें मार्क्स लाए दैट्स ऑल इसका कहीं कोई रिकॉर्ड और मेंटेन नहीं किया जाता लेकिन यहाँ पे जब आप बात करते हो तो यहाँ दो पेपर आपके लिए जाते हैं उनमें तो से पहला पेपर उसमें से कट ऑफ निकलती है अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं तो आप मीन्स एग्जाम में अपियर हो पाएंगे बस उसका इतना ही रोल है आप कट ऑफ क्वालिफाई कर जाते हैं यू आर एलिजिबल टू अपियर इन मीन एग्जाम मीन्स में नो no पेपर होते हैं नाइन पेपर will be conducted in your mains exam jisme main se do paper qualifying hote because they are of language english ya fir jo bhi aap language other choose karenge ek aur uska hoga rest seven papers each will be of 250 marks and conducted for 3 hours each paper ye jo आपका duration रहेगा पांच दिन तक चलेंगे अलग अलग schedule होगा आपका date sheet होगी आपकी उसके हिसाब से conduction हो जाएगा अब इसमें से एक ऐसे का exam होता है दो general study के और एक दो ऑप्शनल

कंडक्ट किया जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू और ये एक ऑफलाइन एग्जाम है दुनिया ऑनलाइन चल रही है लेकिन अभी भी सिविल स्टेजेस यहां पे मिलती है नंबर ऑफ पेपर की बात की जाए तो, stage, पे की की जाए, तो में दो पेपर होंगे और मेंस एग्जाम में आपके नाइन देयर फिल्म की अगर बात की जाए तो पेपर 1 में हर एक क्वेश्चन

प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा मेंस एग्जाम आपका सब्जेक्टिव टाइप होगा 800 2000 के बीच की सीट जो है इसमें देखने को मिल जाती है कुछ डेटा पे फोकस करेंगे कि कितने लोग एग्जाम को अपीयर करते हैं तो रिसेंट डेटा की बात करें तो ज्यादा बेहतरीन होगा और रिसेंट डेटा 2020 का उठाते हैं तो मुझे पता लगता है लगभग 10 लाख लोगों ने

मीन्स एग्जाम को लगभग जो पोस्ट है आपके उसके डबल लोग क्वालिफाई करते हैं लेट्स से कि अगर थाउजेंड पोस्ट है तो लगभग ट्वेंटी फाइव हंड्रेड लोग एग्जाम मीन्स क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा एंड फाइनली आपका आउटकम देखने को मिल जाएगा ये सिविल सर्विसेज का एक लम सम होता है कट ऑफ की बात करें तो रिसेंट कट ऑफ प्रिलिम्स की बहुत कम जाती है जैसे एट्टी आउट ऑफ टू मतलब आप मान के चलो नाइनटी टू हंड्रेड के बीच की कट ऑफ आपकी रहती है प्रिलिम्स एग्जाम के अंदर एज ऑफ नाउ cseet की बात की थी जहां तक मैंने तो 66 मार्क्स लाने हैं आपको आउट ऑफ 200 यू विल बी क्वालिफाइड एग्जाम मोड ऑफलाइन है मैं बता चुका हूं आपको मेंस एग्जाम के बारे में भी इवन और आपका जो पेपर है प्रिलम्स के अंदर जनरल स्टडी का पेपर और एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर होता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 क्वेश्चन आएंगे ईच विल बी हैव 2 मार्क्स इन पेपर 1 एंड 2.5 मार्क्स इन पेपर 2 दैट इज सीसेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं 400 मार्क्स टोटल हो गए हैं क्वालीफाइंग इन नेचर होता है आपका सीसेट

उनको मिल जाएगा थर्टी मिनट एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट वाइज होते हैं और सब्जेक्टिव नेचर होते हैं यू आर हैविंग ए क्वेश्चन पेपर एंड यू ऑल्सो हैव द आंसर शीट उस पर आपको लिखना होता है एवरी पेपर इज कंपल्सरी अगर आप एक भी पेपर नहीं देते हैं तो यू विल बी कंसिडर फेल आपको फेल माना जाएगा अगर आप एक एग्जाम भी इसमें से नो no पेपर में से आपने एक भी एग्जाम नहीं दिया भले ही आपके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं लेकिन आप फेल कंसिडर किए जाते हैं एवरी एग्जाम एवरी पेपर इज कंपल्सरी दो क्वालिफाइंग पेपर जैसे कि पेपर ए है जिसके अंदर लैंग्वेज आती है इंडियन लैंग्वेज और पेपर बी है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज है थ्री हंड्रेड मार्क्स ईच मिनिमम स्कोर क्वालिफाई करना होता है ये आपके कट ऑफ में कोई रोल पार्टिसिपेशन नहीं करता बट हाँ अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाते हैं तो फिर आपके अदर पेपर चेक नहीं होते हैं यू विल बी फेल्ड व्हेन इट कम्स टू द अदर पेपर तो ऐसे राइटिंग का पेपर है 250 मार्क्स का जनरल स्टडी जिसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर आता है हिस्ट्री आता है ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी आता है 250 मार्क्स

इन 1750 मार्क्स में से कोई कट ऑफ निकलती है वो कट ऑफ अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप इंटरव्यू में अपियर हो सकते हैं इंटरव्यू में अपियर होने के बाद आपको 275 मार्क्स में से कुछ मार्क्स इंटरव्यू में अलॉट किए जाएंगे एंड यू विल बी हैविंग अ फाइनल कट ऑफ ऑफ आउट और उसी कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपकी रैंक आपकी पोस्ट डिसाइड होती है इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जनरल एज के लिए जनरल के लिए ट्वेंटी से थर्टी टू ईयर की एज होना चाहिए एंड दे कैन गिव सिक्स अटेम्प्ट्स ओनली

तो जैसा मैंने बताया कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं मतलब आपकी चॉइस होगी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज़ कर लेंगे ऑप्शनल वैसे तो हुआ करता था अपने बचपन में कि ऐसा सब्जेक्ट जिसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती बट यहाँ ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके दो पेपर होंगे फाइव मार्क्स के हैं और आपका स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए इसलिए उसमें से सबसे मैक्सिमम मार्क्स वहाँ से अचीव करोगे आप कुछ ऑप्शनल के सिविल इंजीनियरिंग हिस्ट्री इकोनॉमिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ज्योग्राफी मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो है आपके वो देखने को मिल जाते हैं इसके अलावा लिटरेचर के सब्जेक्ट भी इसके अलावा लिटरेचर के सब्जेक्ट भी आपके ऑप्शनल में देखने हैं। जैसे हिंदी लिट्रेचर, लिट्रेचर, और है फाइव तो मार्क्स का पर्सनैलिटी टेस्ट देखिए इस पर्सनैलिटी टेस्ट की खास कोई तैयारी का मतलब नहीं होता लेकिन इसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू भी हो जाती है मतलब दो तो कॉन्ट्राडिक्टी स्टेटमेंट जी हाँ पर्सनैलिटी टेस्ट मतलब आपकी अपनी पर्सनैलिटी आपका वे ऑफ स्पीकिंग आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आपका वे ऑफ टॉकिंग आपका वे ऑफ बिहेविंग आपका वे ऑफ रिएक्शन चेक किया जाता है नॉलेज इनफ चेक हो चुकी है आपके प्रिलिम्स एग्जाम में आपके मेंस एग्जाम में अब सवाल ये आता है कि आप कितना अच्छे से एक लीडरशिप को संभाल सकते हैं क्योंकि फाइनली यूपीएससी उसको चूज़ करने वाला है जो एक डिस्ट्रिक्ट को संभाल सकता है डिस्ट्रिक्ट को संभालने के लिए आपको कुछ तो टैलेंट चाहिए वो टैलेंट यहाँ चेक किया जाता है पांच लोग होते हैं बोर्ड के अंदर और आपसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल पूछे जाते हैं इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट भी इंक्लूड होता है जिसमें आपका इंटरव्यू पूछा जाता है तो आप झूठ तो नहीं बोलते कैसा करते हो कैसा परफॉर्म करते हो ऑल थिंग्स एनालाइज इन दिस तो मतलब ऑब्जेक्टिव जो है इंटरव्यू का इज टू असेस असैस पर्सनल सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर ए कैरियर ऑफ द पब्लिक सर्विसेज कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैंडिडेट के माइंड में किसी के लिए पर्टिकुलर रेस कास्ट सेक्स के लिए डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग हो ये सब चीज़ें इसमें चेक की जाती हैं अगर आपके को अंदर कोई ऐसी फीलिंग नहीं है और आपका वे ऑफ स्पीकिंग भी अच्छा है रिप्रेजेंटेशन अच्छा है क्लियर थॉट प्रोसेस है तो आपको अच्छे मार्क्स दे दिए जाते हैं पांच लोग अपने अपने अलॉटमेंट होता है उसी के हिसाब से मार्क्स देते हैं आप जिस दिन जाते हैं तो उस दिन आपको पता नहीं होता किस बोर्ड से आपका इंटरव्यू होगा आपसे सब कुछ सबमिट करवाने के बाद फोन एंड ऑल फिर आपको बताया जाता है कि इस बोर्ड के साथ आपका इंटरव्यू होगा एंड देन यू विल गिव इंटरव्यू इंटरव्यू चल रहे होते हैं लगभग दो महीने तक चलते हैं जिस दिन लास्ट इंटरव्यू होता है उसके दो या एक, एक दिन के बाद रिजल्ट आ जाता है फाइनल जिसमें आपकी रैंकिंग और आपकी पोस्ट जो है वो नजर आती है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी में आपका बेसिक कोर्स होगा एंड देन आफ्टर आपकी जो भी पोस्ट होगी आप आई चूज़ करते हैं आप हैदराबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल अकेडमी में जाएंगे आप आई चूज़ करते हैं आपकी ट्रेनिंग फरीदाबाद होगी डिपेंडिंग ऑन इट कि आप क्या पोस्ट चूज़ कर रहे हैं आपकी ट्रेनिंग उसी के हिसाब से डिफाइन की जाती है चलिए फिर अपने करियर की शुरुआत कीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए एज अ सिविल सर्वेंट बेस्ट विस टू एवरी वन थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद हु नीड दिस हु हु अंडरस्टैंड हुट टू अंडरस्टैंड अबाउट सिविल सर्विसेज